हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अप्रिमेशन ग्राउंड में। मैं आप लोगों को इस समय क्लास नाइन्थ का मैथ के बारे में बता रहा हूँ। क्लास नाइन्थ का जो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसका हिंदी होता है संख्या पद्धति, इसका मैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन क्या मिलेगा, यानी कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है, तो उसमें क्वेश्चन क्या मिलेगा, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रेशनलाइज, रेशनल में जानते हैं प्रमेय होता है, रेशनलाइज अगर हो गया तो आपको बोलना का परमेयकरण, यानी कि रेशनलाइज मींस क्या हो जाएगा, परमेयकरण। द डेनोमिनेटर मींस होता है हरों का, यानी कि हर का। ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित क्या, यानी कि ये का की के आपका मतलब होता है, तो बैठ रहा है देखेंगे, हिंदी अर्थ में लिख दिया हूँ, निम्नलिखित के हरों का परमेयकरण कीजिए। निम्नलिखित के हरों का क्या करना है, परमेयकरण करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है तो क्लास नाइन्थ का, लेकिन आप टेंथ में है तो भी समझ सकते हैं, क्लास एट्थ में है तब भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखने जो पहला क्वेश्चन दिया है, आप देख लीजिएगा बुक में है, इधर 7.5 क्वेश्चन नंबर 5 का है ये 1। तो इसका परमेयकरण का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन माने क्या होता है, हल होता है। जल्दी जल्दी मैं सबको बता देता हूँ, सब क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो पहले इसमें क्या करते हैं, 1/√7 लिखने के बाद हर का परमेयकरण करना है। तो एक बार पुनः तो सवाल हो गया, एक बार पुनः इसको लिख देंगे और उसको गुणा के हर जो है उसी को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। चिन्ह नहीं है तो हर है 7, तो 7/7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 को 1 में मल्टीप्लाई होता है तो 7 ही होगा, लेकिन 7/7 का जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या है, सिर्फ 7 हो जाता है, यानी कि हो गया आंसर। अब यहाँ पर ये कैसे होता है मैं बता दे रहा हूँ कि जब 7/7 का मल्टीप्लाई होता है, दोनों अंडर रूट में से एक में हो जाता है, ये एक में होने का मतलब क्या, इसका वर्ग बन गया, स्क्वायर बन गया, ये वर्गमूल का चिन्ह है, इसके अंदर स्क्वायर बनता वर्ग बनता तुरंत बाहर निकल आता है। तो इतना ना लिख के डायरेक्ट आप ये जानो कि √7 का मल्टीप्लाई 7 हो जाता है, यानी कि रूट हट जाता है। ये तो हो गया पहले का। दूसरा देख लीजिए, दूसरा देखेंगे, इसमें पहले सवाल लिखिए 1/√5 + √2, फिर इसमें एक बार पुनः लिखेंगे 1/√5 + √2, फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस ना ले उठा के माइनस वाला उठाते हैं, इसी को हर का परमेयकरण बोलते हैं, रेशनलाइज बोलते हैं। तो यानी कि √5, यहाँ देखेंगे प्लस है तो माइनस लिखते हैं, बहुत आसान याद करना, यानी कि चिन्ह अगर प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो यहाँ भी माइनस वही करेंगे √5 / √2, यहाँ पर देखेंगे कट के एक बन जाता है, यानी कि जो इधर है वही इधर भी है, इधर दोनों के बीच में इक्वल का चिन्ह लगाया जाता है। तो अब देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई का मतलब क्या, वही मिलेगा आपको, और नीचे देखेंगे फार्मूला यूज हो जाएगा, वही चीज दोनों है लेकिन एक जगह प्लस एक जगह क्या है माइनस है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, अभी बता रहे हैं, √5 2 और −√2 2। ये कैसे हुआ है देखेंगे, किस रूप में है, a + b और a - b के रूप में है, तो लिख देते हैं a² - b², इसी का फार्मूला का यूज हुआ है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, देखेंगे इसके जगह पे ये है, इसके जगह पे ये है, इसके a² - b², यानी a के जगह √5 है और b के जगह √2 है, स्क्वायर कर उठा तो ये तो ही रह जाएगा √5 - √2। अब √5 भी बताया हूँ, √5² जब करोगे तो रूट में होने के नाते सिर्फ 5 होगा, अगर √ ना होता तो 5 × 5 = 25 होता, लेकिन √ होने के नाते सिर्फ 5 होगा। ऐसे यहाँ भी है तो क्या मिलेगा, सिर्फ 2 मिलेगा, क्योंकि अगर रूट ना होता तो दोनों 4 होता। तब इसको एक बार लाइन और बचा है, ये ऊपर वाला वही रह जाएगा, यानी कि अंश वही रह जाता है और ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डेनोमिनेटर, हिंदी में अंश और हर बोलते हैं, ये हो गया आंसर। तो दो और बच्चा स्क्रीज कर देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहला और फिर तीसरा बता दिया, दूसरा छूट गया था। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम है तो दो सवाल में आप क्लियर कर लीजिए, बहुत ही आसान है, इजी है। इसको मैं दूसरा नोट करता हूँ, 1/√7 - √6, बहुत ही आसान टॉपिक है, फिर वही लिख देंगे हर का परमेयकरण, वही दोनों आप लिख दीजिए जो है पूरा, पहले लिखिए, लिखने के बाद हर का परमेयकरण कर, हर जो है देखेंगे √7 - √6 से माइनस है ना, तो प्लस वाला उठा लेंगे, प्लस कर देंगे इस चिन्ह को, बस ये इतना करते हैं। तो माइनस को प्लस देंगे √6/√7 + √6, दोनों चिन्ह सेम होना चाहिए, बस आते इसके विपरीत में, माइनस प्लस लिखेंगे, प्लस है तो माइनस में लिखते हैं। फिर 1 का मल्टीप्लाई मीन्स वही मिलेगा कड़ी में 7,
और अकेडमी में सेक्स या रूट भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ फिर भी फार्मूला जो बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगेगा, यानी कि यहाँ पर कैडी में सेवन का स्क्वायर और फिर कैडी में सिक्स का स्क्वायर फार्मूला कौन सा यूज हुआ है आप यहाँ लिख सकते हैं किस रूप में है। इस बार देखेंगे ए प्लस ए माइनस बी वाला पहले है और ए फिर ए प्लस बी वाला बाद में है, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही सूत्र का यूज हुआ है इसमें, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर ऊपर वाला ही रहेगा कैडी में सेवन प्लस कैडी में सिक्स। अब देखिये कैडी का रूट को तो रूट सेवन का स्क्वायर सेवन ही होता आपको बता चुका हूँ, और रूट सिक्स का भी क्या होगा सिर्फ सिक्स होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें लोग सात सत्य उनचास सेवन संख्या 49 लिख देते हैं, इसमें सिक्स संख्या 36 लिख देते हैं, लेकिन कब जब ये रूट नहीं रहेगा तब ना ऐसा बनेगा, रूट है तो सेवन रह जाता है सिक्स रह जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे एक लाइन फिर बच्चा अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट सिक्स और यहाँ घटाएंगे वन, वन का मीन्स आपका अंडर रूट सेवन प्लस अंडर रूट सिक्स ही रह जाएगा, भाग देने पर आपको मिलता है। अगर आप समझ गए तो भी वही मैटर है, लेकिन मैं लगा देता हूँ समझ लीजिए, वन अपॉन अंडर रूट सेवन माइनस टू लिख दे और फिर यहाँ फिर एक बार लिखिए अंडर रूट सेवन माइनस रूट टू टू भर है गुणा कैसे करेंगे, देखिए माइनस है ना हर में तो प्लस उठा लिखेंगे, सेम ही लिखेंगे अंडर रूट सेवन लेकिन चिन्ह बदल देंगे माइनस है तो यहाँ पर प्लस लिखते हैं अंडर रूट सेवन प्लस रूट प्लस टू। अब मल्टीप्लाई फिर एक से मल्टीप्लाई मीन्स अंडर रूट सेवन प्लस टू ही बचेगा, फिर ये फार्मूला ये वाला यूज होगा, यानी कि अंडर रूट सेवन का स्क्वायर और माइनस टू का स्क्वायर, तो ऊपर तो ही रह जाएगा आंसर के जगह पे अंडर रूट सेवन प्लस टू, लेकिन अंडर रूट सेवन का स्क्वायर सिर्फ सेवन होगा, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है इस बार रूट नहीं है, इस बार दो दूना चार होगा, टू टू जब फोर हो जाएगा, फिर उसके बाद अंडर रूट सेवन प्लस टू वही लिख दीजिए घटा देंगे तो बचेगा आपको तीन ही हो जाएगा आंसर, इसी को हर का परिमेयकरण बोला जाता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो वॉच के लिए थैंक्स, धन्यवाद।